गेले। तो क्या करूं? इसको खानी है, नहीं खानी है। खानी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये खाओ ना प्लीज प्लीज मेरे लिए। मैं ये देखो इतनी सारी मिट्टी। कोई बात नहीं यार, ऐसे नहीं करो यार, प्लीज थोड़ी सी खा लो, प्लीज कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं थोड़ी सी थोड़ी सी। चलो एक खा लो बस, नहीं एक ओनली वन प्लीज। इतनी सारी है। कोई बात नहीं, एक खा लो। खाओ हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? कैसे तबीयत है? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो भाइयों, आज का व्लॉग यहाँ से शुरू है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस, अभी मेरी जो बेगम ने है मेरा सर खा लिया है, कि वो परेशान हो रही है कि क्या करे क्या करे क्या करे। तो गाइस, वीडियो में जरूर बने रहिएगा, पूरी वीडियोस वॉच कीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी बेगम क्यों मुझे परेशान कर रही है, क्या बोल रही है मेरी बेगम। हमको जो है कौन से कलर का ड्रेस पहनना चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप अपने भाई का साथ दीजिए। यार, तो समझ नहीं आ रही क्या पहनोगे आप शादी देखो पे, देखो देखो, बताएं कौन मैं सा नहीं पैंट बता रहा, पहनना मैं है। नहीं बता रहा, मैं क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती कि कौन रिवर्स सा पहनूं बताएं कौन ना सा। सर, कौन सी ड्रेसिंग करें? परसों हमारी कजन की शादी है। तो बताएं व्यूवर्स, तो मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास जो है दो तीन पैंट कोट है, चार क्योंकि है चार है। ओ जी, चार है, चार। तो व्यूवर्स, हमने परसों जो है जाना है कजन की शादी पे, तो उनके निकाह पे हम क्या पहने, तो आप हमें गाइड करिएगा। तो हमने जाना है परसों, पर आज हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा मेरा पेंटकोट अच्छा लग क्योंकि रहा कल है। हमने किसी जरूरी काम से मैंने जाना है, तो इसलिए आज ही डिसाइड कर रहे हैं क्या पहने। जी, और भी ज्यादा काम है, तो इस वजह से जो है आप हमें बताएं कि हमें कौन सा पेंटकोट, मुझे कौन सा पेंटकोट पहनना चाहिए। और मैडम, तो गाइस आप ये बताएं कि एक ये मेरा पेंटकोट है, ये देखें, और एक ये मेरा पैंट कोट है, और एक ये मेरा पैंट कोट है, और एक ये मेरा पैंट कोट है। और ये जो गाइस, ये जो ग्रे कलर का पैंट कोट है, ये कैजुअल कोट है, इसके नीचे जो है जीन्स की पैंट पहनी जाती है। इसके साथ जो है पैंट नहीं थी मैंने ली, एक्स्ट्रा कोट है ये, तो ये कैजुअल कोट है। और ये जो है पूरा सेट है, पैंट भी है और शर्ट भी है, इसकी भी पैंट भी है और शर्ट भी है। आप देखें, ये ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर का कोट है, आपको कैमरे में शायद ब्लैक लग रहा होगा। और एक ये है। तो गाइस, इसको आयरन तो मैंने करवाना है, लेकिन आप मुझे पहले बताएं कि व्यूवर्स, चलेंगे ये तो हो गया पैंट कोट का हिस्सा खत्म। ये तो आप मुझे बता देंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे बता देंगे कि मेरे पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा पैंट कोट का निकाह पे। तो निकाह पे आपको पता है लाइट से कलर पहनने चाहिए, तो आप मुझे बताइएगा कि मेरे पे कौन सा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी थी कि व्यूवर्स, मैं अपनी मैडम के लिए जो है एक सूट लेके आया हूँ, जो कि सरप्राइज है, क्योंकि मेरी मैडम को भी नहीं पता सरप्राइज का। तो आप जो है, मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं कि मैं अपनी मैडम के लिए क्या लेकर आया हूं। तो व्यूवर्स, ये देखें, ये जो मैं अपनी अपनी मैडम के लिए सूट ड्रेस लेकर आया हूं, नाइस। इसके अंदर जो है दूसरी इनर भी है, इनर साथ ही एक किस्म की शर्ट है, नीचे टी शर्ट जैसे होती है। तो ये लॉन्ग फ्रॉक है, ये देखें। नैसर क्या कर रहे हो? वाह, नहीं, मामा का है। मामा का इतना बड़ा। यार आपको नहीं अंदर आना चाहिए था, अभी मैंने आपको बोला था ना आप नीचे रहो। यार ये कितना प्यारा ड्रेस है, किसका है? नैसर मामा का है।
वाह कितना प्यारा है, मेरे को भी ऐसा ला के दो। चलो जो है वो पहनो, अभी बार बार नए कपड़े करते हैं। यार ये बहुत मेरे को प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। कोई नहीं प्यारा, मामा का सूट है, मामा नहीं देगी आपको। अच्छा चलो खैर मैं दूसरा पहन लूंगी, मेरे पास है कोट ड्रेस। आपका ये मैंने रखा था सरप्राइज आपके लिए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत प्यारा ड्रेस है, व्यूअर्स देखे। ये शादी के लिए मैं लाया था, तो शादी के लिए ही मैडम बुलाया था। नेचर कौन सा कोट पहने, आपको पता ना हम लोग मैचिंग करते हैं, तो इसलिए प्लीज। तो आप जरूर जरूर सारे सरप्राइज की एमसी हो गई है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरा सरप्राइज खुल जाएगा। तो खैर ये मैडम को देना था, मैडम को ही पता लग गया, तो कोई बात नहीं। तो मैडम आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा ड्रेस है। तो गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा, मैंने जो लिया है अपनी मैडम के लिए, और कोट का जरूर बताना। अगर आप बताओगे नहीं तो आपका भाई नकाब पे क्या पहन के जाएगा। और ये तो मैंने थोड़े बाल को ट्रिमिंग करनी है, करवानी है, और थोड़ी शेप भी सेट करवानी है, क्योंकि परसों जो है मैंने अपने कज़न के निकाह पे जाना है, तो थोड़ा तैयार श्यार होके जाएंगे ना। और पता नहीं मैडम कटिंग तो नहीं, कटिंग करवा लूं? नहीं करवाना ऐसे, थोड़ी थोड़ी नहीं नहीं ऐसे ही प्यारे लग रहे हैं यार, हल्के हल्के सेट तो करवा। मुझे ऐसे ही प्यारे लगते हैं आपके हेयर। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, बाद में मुझे कहती है आप बाल इतने बड़े बड़े रखते हो, देखा है ना कैसे काम है। मैं नहीं कहती, देख रहे हो ना आपके बाल बड़े। ये अभी आपके सामने कह रही है, बिल्कुल भी कटवाने भी नहीं देती। गाइस ये लगता है देखे मैडम को बहुत ही ज्यादा सूट पसंद आ गया, मैडम एक घंटे से सूट को देखी जा रही है। आप इतने प्यार से लाए ना इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। आप इतने प्यार से लाए ना इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। व्यूअर्स बने रहिएगा वीडियो के अंदर, क्योंकि जो भी होगा आपके सामने होगा, चल झूठा के साथ शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा भाइयों और बहनों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ओके ओके। आज मैडम बना रही हैं अचारी चिकन, तो ये मेरी फेवरेट डिश है अचारी चिकन। अच्छा, तो मैंने मैडम को बोला था कि मैडम प्लीज मेरे लिए अचारी चिकन बना दे। अच्छा, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं मैडम ने मुझे अचारी चिकन खिलाया नहीं था। अच्छा, बना के कमेंट्स में प्लीज बताइएगा किस किस को पसंद है। तो मेरे मुँह से अभी फिलहाल पानी आ रहा है, अगर पी लो पानी आ रहा है तो बाल्टी रख दो। ये देखिए मेरी मैडम जो है अभी मसरूफ है खाने में, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जो है हम लोग रात को लेट सोते हैं आजकल, तो नींद नहीं आती, तो इस वजह से जो है आज हम दिन में भी सो गए, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और दिन में वैसे भी ऑलरेडी मसला चल रहा है गैस का, आपको पता तो है। तो गाइस मैं जो है एक हफ्ते तक जो है मैं ले लूंगा, समझ रहे हो, ट्राईपॉड, चल झूठा, फिर उसके अंदर जो है मेरे काफी इजी हो जाएगा। है कि मोबाइल से शूट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मोबाइल जो है ऐसे हिलता रहता है, समझ रहे हो। तो भाइयों उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी। तो आई होप कि आपको मेरे व्लॉगिंग अच्छी लग रही होगी, बना रहा हूँ तो अच्छी लग रही होगी। अभी जो है मैडम सर्चिंग कर रही है चैनल,
तो ऐसे चैनल को देख देख के खुश हो रही है क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, ज़्यादा प्यार आ रहा है आप लोगों का ही। इसी वजह से जो है मेरी मैडम जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, क्योंकि आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। गाइस अभी जो है आपके लिए चाय रख दूं, आपने फिर पूरी रात जाग जाग के तो चाय पीनी होती है। गजब बेइज्जती है। सुन रहे हो ना भाइयों, चाय का शौकीन हूँ मैं। चाय तो अभी मैं थर्मोस लेके आता हूँ, मैडम ने गर्मा गर्म चाय बनाई है तो उसके अंदर डालेंगे हम थर्मोस में। तो थर्मोस कहाँ पर है? तो गाइस अगर मेरी वीडियो सही नहीं आ रही तो उसके लिए सॉरी। तो भाइयों आपका जो है भाई ले लेगा ट्राईपोर्ट बहुत जल्दी, तो इस वजह से है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल में शूट करने से, काफ़ी हिलता है कैमरा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। और गाइस जो एक हमारी सिस्टर हैं, सिस्टर मिशेल प्यारी, उन्होंने मुझे कमेंट किया, उन्होंने हमें कमेंट किया कि हमें प्रैंक्स बनाने चाहिए। तो मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यारा आइडिया दिया। तो गाइस इसी तरह आप जो है हमें गाइड किया करें कि हम किस टाइप के व्लॉगिंग करें जिससे आप खुश हो जाएं, और आप खुश तो हम खुश। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ मिशेल प्यारी का, जो के हमें हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, हमारे कमेंट हमें वीडियोस पे कमेंट करती हैं और हमें अपना बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती हैं। तो गाइस इसी तरह आप भी हमें हमारे चैनल पे प्यार दिखाएं अपना, और लाइक करें वीडियोस को और दोस्तों के साथ शेयर करें। आजकल जो है हम प्रे भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो इतनी ज़्यादा मसरूफियत हो गई है। और आज तो हम लोग दिन में सो ही गए थे क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी काफ़ी दिनों से, रात को हम लोग लेट नाइट तक सो रहे थे, तो आज तो हम सो ही गए थे सारी दोपहर को। तो हम लोग आपको ये भी मैं बता दूं कि हम लोग डेली रूटीन में जो है अपनी प्रे करते थे तो हम लोग 7 बजे जो है बैठ जाते थे और 8 बजे तक उठ जाते थे, तो आजकल वो भी नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए तो मैं खुदा से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। तो उस वो तो मैं शुरू कर दूँगा प्रे दोबारा से स्टार्ट करना अपनी बेगम के साथ। तो आप मुझे ये बताएं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन घर पे प्रे करता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मुझे तो ज़्यादा मज़ा घर पे ही आता है क्योंकि घर पे जो प्रे होती है वो दिल से होती है और कोई भी नहीं होता, एक जो हार्ट में फीलिंग होती है वो खुल के सामने आती है खुदा के सामने। और जो चर्च में हम प्रे करते हैं वो भी सही बात है, लेकिन इसमें ये होता है कि नज़रें ऐसे ऐसे घूमती रहती है, किसने क्या पहना हुआ है, किसने हम अच्छे भी लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या मतलब वो जो दिल से दुआ होती है ना वो घर पे ही हो सकती है। हम लोग तैयार होके गए हैं और किसी के साथ बैठ के हम प्रे कर रहे हैं, तो हम उसी को बार बार देखेंगे कि वो कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, हम पता नहीं अच्छे लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे होंगे। तो उस चक्कर में ना हमारे दिल से जो प्रे होती है ना, दिल से जो आवाज़ निकलती है ना वो नहीं निकल पाती। तो हम घर पे जो घर में किसी भी कंडीशन में बैठे होंगे ना, चाहे हमने बेकार कपड़े भी पहने होंगे ना, हमें ये होगा कि हमें कोई भी नहीं देख रहा, तो हम फिर दिल से दुआ करेंगे। एक फोकस करके प्रे करना वो एक अलग बात होती है, और एक जो है फॉर्मेलिटी दिखाना खुदा को तो वो एक अलग बात होती है। गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। गाइस मुझे पता है व्यूवर्स के इसका भी कमेंट जो है मिशेल सिस्टर ही देंगी, क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा हमारी व्लॉग्स देखती, हमारी वीडियोस देखती हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करती हैं और फौरन कमेंट करती हैं। तो गाइस इसी तरह आप लोग भी, बाकी सब भी इसी तरह हमें कमेंट किया करें, हमें प्यार दिखाया करें अपना, और सपोर्ट किया करें। इसी जैसे सिस्टर हैं वो फटाफट मैसेज करती हैं, रिप्लाई करती हैं, तो आप भी उसी तरह प्यार दिखाएं।
गाइस अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग रही है तो उसके लिए कान पकड़ के सॉरी, क्योंकि जो मैं वही बात करता हूँ जो मेरी दिल में होती है या मेरी ज़ुबान पे होती है, क्योंकि मैं कभी भी फेक नहीं बन के आता सामने, तो मैं रियल हूँ तो मैं रियल ही बनता रहूँगा, हमेशा रियल ही रहूँगा। जो मेरे दिल में बात होगी वो ही मेरी ज़ुबान पर होगी। तो गाइस अभी मेरे कमरे में जो है मामा आई हैं, तो मैं मिलवाता हूँ आपको अपनी मामा से, और अगर किसी ने मेरी मामा नहीं देखी तो वो भी देख लो मेरी मामा कैसी लगती है। ये कोई लगती है मेरी मामा, ये देखो। मेरे बेटे को बहुत सारा सपोर्ट करे और लाइक करे और तो गाइस ये देखें, ये लग रही है कहीं से मेरी मामा। हमारी मामा की दो बहुएं और एक उनकी पोती है, अभी भी हमारी मामा ही है। ये देखें, खुदावन कोई जज कर पाएगा हमेशा। आमीन। कोई जज कर पाएगा कि ये मेरी मामा ऐसे ही लगती है कि मेरी ये छोटी बहन है। ये देखें व्यूअर्स, गैस बहुत स्लो हो गया है और मुझे लगता है हमें ये पानी वाला अचार गोश्त खाना पड़ेगा। रिवर्स नैसे को ग्रीन चीज इतनी पसंद है, मैंने ऑलरेडी इतनी सारी डाली, अभी भी मेरे को बोला है कटिंग करके और डालो। इनको मैंने बोला कि आप हरी मिर्च ऐसे ही कर लो, अगर आपको खानी है तो ऐसे ही खा लो। सो व्यूअर्स, नेल्सन को देने लगी हूँ चैलेंज मिर्ची खाने का, अब पता चलेगा। नेल्सन आप मेरी बात मानेंगे? जी जी। चलाए मैं आपको बताती हूँ, इधर तो आए, आपको ये मेरे लिए खानी बस होगी। अभी भी व्लॉगिंग पे लगे हुए हो तो मैंने एडिटिंग करनी है यार, ये मेरे लिए करो ना प्लीज। गेले तो क्या करूं, इसको खानी है? नहीं खानी, खानी है तो खाओ ना प्लीज प्लीज मेरे लिए। देखो इतनी सारी मिर्ची, तो कोई बात नहीं यार, ऐसे नहीं करो यार, प्लीज थोड़ी सी खा लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, प्लीज थोड़ी सी चलो एक खा लो बस। नहीं नहीं, एक ओनली वन प्लीज, इतनी सारी है कोई बात नहीं, एक खा लो। ये फंस गया सी है। चलो स्टार्ट, पूरी खाओ प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज पूरी 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 पूरी, गुड बाय गुड बाय। गुड बाय गुड बाय, थैंक यू, बस 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 थैंक यू। चलो सारी फिनिश करें, सारी थोड़ी वो तो मैं मजाक कर रही थी, सारी खाओ चलो 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 जल्दी जल्दी। देखो यार आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है, जल्दी खाओ। व्यूअर्स नेल्सन बहुत अच्छी हैं, वो मेरी हर बात मानते हैं, देखे मिर्ची खा रहे हैं, गुड डॉग है। और ये सच्ची वाली मिर्ची है, झूठी नहीं है, शायद एक ऐसा फ्रूट भी आता है, ये वो नहीं है, वो शायद पाकिस्तान से नहीं मिलता, तो ये वाकई में ग्रीन चिली है। और ये जो लाए ना ये बहुत स्पाइसी है, फिर भी देखे मेरे लिए खा रहे, थैंक यू। सो व्यूअर्स देखे, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी बहुत सारी मिर्चीज, और अभी आप देख लें ये सिर्फ एक रह गई है, और ये सच्ची में इसने खाई है, झूठ नहीं, क्योंकि हम जो भी व्लॉग में करते हैं वो सब रियलिटी होता है, हम कुछ फेक नहीं करते। देखिए इसकी रेड हो गई है जुबान, हम जो भी करते हैं हम सब रियल करते हैं, हम कुछ फेक नहीं करते। ये देखें मिर्ची खा रहे हैं, तो देखें बस एक रह गई है, अभी मैंने इसको बोला बस करो नहीं खाओ, देखें बस करें बस करें नहीं खाएं, जुबान जल रही है, तो अगर देख के मिर्ची खा के रोने लगे जो लोग कहते हैं ना कि लड़के नहीं रोते, तो उनको ऐसे रुलाया जाता है, देख सकते हैं आप, ये आपके सामने रियल मिसाल है, देखें नहीं खाओ बस रहने दें। तो व्यूअर्स आज फिर दोबारा
जुल्म हो गया मेरे पे, आपने देखा तो होगा कि इतने ज़्यादा मिर्चियाँ खा के मेरा सब कुछ जलने लग गया है। गाइस ये सब कुछ मैंने किया आपके लिए और अपनी बेगम के लिए, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ। जो लोग नए आए हैं हमारी चैनल पे, हमारे व्लॉग पे, वो सब्सक्राइब कर दें अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन खुदा हाफिज़।